वाला डीजल वाला लेता है ज़्यादा भाड़ा, हवा भाई कम ले रहा, तो दोनों कोई में आपस में मारपीट हो जाएगा, इसीलिए दोनों को ही अपना मिला करके चल रहे हैं। जी भैया, टेम्पो वाला बढ़ा दिया, हम कम लेंगे तो फिर टेम्पो वाला भी हम लोग को दबाव देगा ना भैया। चार्ज में पहले 1200 रुपया लगता था, 1500 रुपया लग रहा है सर। गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है, अमीर को और अमीर बनाया जा रहा है। बढ़ेगा ही इसलिए कि हम लोग पे अनाज पे दाम बढ़ रहा है, तो उस पर तो बढ़ा नहीं है। पहले 300 रुपया लेता था, अब 350 रुपया ले रहा है। तो हम आपका घर के पॉकेट से नहीं देंगे भैया। कितना नहीं देता है, बकवास नहीं करते हैं, ले रख लेते हैं, कितना देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार उछाल खा रही है। महंगाई की अगर बात करें तो आम जनता जो है वो महंगाई से परेशान है, बेहाल है। और अब ई रिक्शा ने भी अपना किराया जो है वो बढ़ा दिया है। हम ई रिक्शा चालक से ही बात करने निकले हैं। भैया, आप लोगों ने भी अपने जो किराए में इजाफा कर दिया है जी? क्यों, आप लोग तो पेट्रोल डीजल नहीं खरीदना होता है? जैसे अब मान ली कि हम भाड़ा कम लेते हैं और उस टेम्पो वाला ज़्यादा लेता, तो उस पर कोई नहीं ना बैठेगा। वो कहेगा कि टेम्पो वाला डीजल वाला लेता है ज़्यादा भाड़ा, हवा भाई कम ले रहा, तो दोनों कोई में आपस में मारपीट हो जाएगा, इसीलिए दोनों कोई अपना मिला करके चल रहे हैं, इसीलिए बराबर ले रहे हैं। सामने वाला लड़ ना जाए आपसे, हाँ, इसलिए आपने बढ़ा दिया। हाँ, बढ़ा दिए, दोनों मिल कर चलने लगे। आप कहाँ, किस रूट में चलाते हैं? बोरिंग रोड में। बोरिंग रोड में भैया, आप लोगों ने भी किराया बढ़ा दिया? जी भैया। क्यों बढ़ा दिया भैया, पेट्रोल डीजल तो बढ़ाना नहीं होता आपको? जी भैया, टेम्पो वाला बढ़ा दिया, हम कम लेंगे तो फिर टेम्पो वाला भी हम लोग को दबाव देगा ना भैया। अच्छा, नाराज हो जाएगा? नाराज हो जाएगा, सब इसी पे आना चाहेगा, उस पे कोई जाएगा ही नहीं, तो उसको भी देख के चलना भैया। किस रूट में भैया आप चलाते हो? हम बोरिंग रोड एंड कॉलेज चलते भैया। बोरिंग रोड का पहले क्या किराया था और अभी? बोरिंग रोड चौराहा 12 रुपया था, उसको हमने 15 रुपया लेता है अब। और राजापुर 7 था जो 10 लेते हैं। और पानी टंकी तक यानी एन कॉलेज उतरे या पानी टंकी 17 था तो 20 लेते हैं। पैसेंजर तो पूछता होगा, ये तमाम लोग जो आपके इसमें ई रिक्शे में बैठते हैं पूछते होंगे, भैया आप तो पेट्रोल डीजल बढ़ाते नहीं है, पैसा किराया बढ़ा। फिर उनको ये कहते हैं कि जब टेम्पो वाला बढ़ा दिया तो उससे जाइएगा तो उसको 20 दीजिएगा, तो हमको क्यों नहीं, हम भी तो वही सेवा दे रहे हैं आपको, जहाँ वो पहुँचा रहा हूँ हम भी पहुँचा रहे हैं। पैसेंजर सवाल पूछते हैं? हाँ, पूछते हैं। तो उनको हम ये कह के समझाते हैं कि जब वो पहुँचा रहा है तो आप उसको ज़्यादा दे रहे हैं, तो हम भी तो वहीं पहुँचा रहे हैं, तो हमको क्यों नहीं दीजिएगा। तो कितना देते भी है, कितना झमेला भी करते हैं। हाँ, मेला करते हैं तो छोड़ते नहीं, हम तो कहते हैं कि दीजिए, लेकिन नहीं देता तो अब कौन 2 रुपया के लिए झगड़ा करना चाहता है भैया। लेकिन समझदार जो पैसेंजर है वो दे ही देते हैं जी। तो हम गांधी मैदान में हैं और यहां पर ई रिक्शा चालक जो हैं उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। भैया, किस रूट में चलाते हैं? बोरिंग रोड। बोरिंग रोड वाले रूट में चलाते हैं। किराया काहे बढ़ा दिए भैया? नहीं नहीं बढ़ाए हैं। किराया बढ़ा दिया आपने? बढ़ा नहीं। कितना लेते हैं बोरिंग रोड का? 12 रुपये। 12 रुपये, आप 12 रुपये लेते हैं। अच्छा, पानी टंकी का? पानी 17 रुपये। 17 रुपये। और आपका राजापुर का? 7 रुपये। 7 रुपये। आपके जो सहपाठी हैं वो तो बढ़ा दिए किराया? नहीं, पैसेंजर अभी मतलब ये हो रहा है, फाइनल नहीं हुआ अभी। फाइनल नहीं जी, किराया बढ़ाएंगे? मूड बना है आप? हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आदमी होगा क्या तो? लगता है आप लोग भी किराया बढ़ाएंगे? आप सब बढ़ेगा तो फिर बढ़वे करेगा। आप लोग तो पेट्रोल डीजल भराते नहीं है तो फिर किराया क्यों बढ़ाएंगे? चार्ज में पहले 1200 रुपया लगता था, 1500 रुपया लग रहा है सर। अच्छा जी, किराया बढ़ाएंगे? बढ़ और लोग हैं भैया, कहाँ, किस रूट में चलाते हो आप? बोरिंग रोड। अच्छा, किराया क्यों बढ़ा दिया? चार्जिंग बढ़ गया उसके वजह से। चार्जिंग बढ़ गया उसके वजह से। बोरिंग रोड का कितना किराया लेते थे पहले वाला, कितना लेते हैं अभी? 15 रुपए लेता है चौराहा का। 12 रुपए। 12 रुपए लेते हैं। हाँ। अच्छा, आप हमको जाना हो राजापुर तो कितना लेंगे? 10 रुपए। 10 रुपए लेंगे। हाँ। पहले 7 रुपया था। पैसेंजर आप लोगों को नहीं बोलते कि भैया आप पेट्रोल डीजल भराते नहीं है, किराया बढ़ा रहे हैं, क्या बोलते हैं वो? मालूम नहीं है उससे, पैसेंजर पूछते हैं कि नहीं? हाँ पूछते हैं ना। क्या बोलते हैं? मैं बोलता चार्जिंग बढ़ गया, बैटरी लगता है, तब बोलता। कहाँ जा रहे भैया? बोरिंग रोड। किराया बढ़ गया, कैसा लग रहा है अभी रिक्शा में बैठ के? कैसा क्या लगेगा, गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है, अमीर को और अमीर बनाया जा रहा है। अच्छा। इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, कैसे करके अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं।
और जिस तरीके से पेट्रोल का दाम या हर तरह की महंगाई जिस तरीके से ऊपर जा रही है, इन लोग का निजी जीवन में कितना इसका प्रभाव पड़ता है, इस बारे में सरकार को चर्चा करनी चाहिए, बट कोई सुनवाई नहीं है, क्या कीजिए? किराया क्यों बढ़ा दिया भैया आप लोगों ने? अरे भैया इतना गाड़ी हो गया, हम लोग का कमाई उमाई नहीं हो रहा था। लोकल भाड़ा 10 हो गया है और लंबा जाने पर ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 3 रुपया बढ़ा है। हाँ लोकल खाली 10-5 बढ़ गया है लोकल। हाँ 5-10 हो गया है। पैसेंजर तो पूछता ही होगा आप लोगों से कि भैया ना पेट्रोल भराना है ना डीजल, और किराया बढ़ा दिया आपने। हाँ क्या कहते हैं लोग? बोलते हैं भैया कि भाड़ा बढ़ गया है, दे दीजिए, और क्या हम बोलेंगे। कोई रीज़न तो बताते होंगे ना? हाँ रिजल्ट बताते हैं कि हम लोग कभी कमाई में नहीं हो रहा था, अब चलाने से मेहनत भी करते थे या कमाई में नहीं हो रहा है। अब कमाई हो रहा है किराया बढ़ाने? हाँ अभी तो होगा। अब कितना कमा लेते हैं एक दिन में? अभी तो ज़्यादा नहीं, 500-700 तक। 700 रुपये तक कमा लेते हैं? हाँ 500-700। भैया कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं राजापुर। राजापुर जी। अच्छा किराया बढ़ा है, कितना ले रहे हैं भैया? ये तो 7 रुपये लेंगे। 7 रुपए लेंगे यहाँ से? बड़ 10 रुपए हो गया ना? नहीं यहाँ से 7 रुपए है। लोकल भाड़ा 10 हो गया, उतरिए यहाँ पुलिस लाइन उतरिए, चाहे काली मंदिर उतरिए, चाहे राजा पुल, 10 रुपए हो गया। उधर से आए थे 7 रुपए दे के भैया। जैसे आए ना भैया, अभी 7 रुपए दे के आए थे, नहीं हुआ है इसलिए अभी कितना आदमी नहीं देना चाह रहा है। और ज्यादा जो नहीं देना चाहता है उसे किराया लेते हैं? अब नहीं देना चाहते तो अभी ज्यादा प्रेशर नहीं देते हैं। अब सोचते हैं कि चलिए अपने सब लोग का मालूम हो जाएगा तो अपना मतलब कि पहले ही वाला किराया दीजिएगा या अभी वाला दीजिएगा? भैया अभी तो देख आया था 7 रुपये, 7 रुपये में देंगे। 7 रुपये जी? 7 रुपये ले लीजिएगा भैया। हाँ भैया तो क्या करेंगे, उसमें लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा नहीं ना होगा भैया। आप किस रूट में चलाते हैं? सिटी। चश्मा लगा के बड़ा स्मार्ट लग रहा है, पावर वाला है या नॉर्मल है? पावर वाला है। ऐसे अच्छे लग रहे हैं आप। ये बताइए कि किराया क्यों बढ़ा है आपको? किराया हम लोग को तो हम लोग अभी वही पे चल रहे हैं जो मिल रहा था, पैसेंजर जो दे रहा है वो ले कर चल रहे हैं। आप लोगों ने किराया नहीं बढ़ाया अभी? ऑटो वाले इधर वाले बढ़ चुके हैं, बोर्डिंग रोड वाले, बेली रोड वाले, ये सब बढ़ चुके हैं। ये वाले अभी वही ऑटो वाले खाली उधर वाले बढ़ाए हैं, सिटी वाले। आप इसी रूट में चलाते हैं? इसी रूट में, सिटी वाले में, गायघाट गांधी मैदान। गायघाट का कितना पे? 20। हाँ 20 पहले भी था, अभी 20 ले रहे हैं। महेंद्रू का 10 था, इनाटी का भी 10 था, इनाटी का 10 है। बढ़ेगा ही इसलिए कि हम लोग पे अनाज पे दाम बढ़ रहा है। अच्छा। तो उस पे तो बढ़ा नहीं है। अच्छा। हम लोग भी तो खाने अनाज आटा चावल सब्जी खाते हैं, उस सब पे बढ़ रहा है दाम, तो हम लोग अभी तो कमाई ख़त्म हो रहा है। अच्छा। पहले कमा रहे थे 100 रुपये में हो जाता था, अब 200 रुपये में भी नहीं होता है, महंगाई इतना बढ़ रहा है। कितना कमा लेते हैं? सच सच बता रहे, ये जमा ऊपर का गाड़ी है, यह हमारा गाड़ी नहीं है, जमा पर का गाड़ी है। 370 रुपया देते हैं जमा, दे दा के जो बच गया 250-300 जो बच गया, 300 रुपया बच जाता, बस इसी पे गुजारा चल रहा है। कितना किराया का इजाफा करिएगा, बढ़ाइएगा तो कितना बढ़ेगा? बढ़ेगा तो वही 2-3 रुपया बढ़ेगा, और क्या, उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा। रास्ता पे बैठे हैं, यहाँ भी किराया बढ़ गया। हाँ ये लोग बढ़ा रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी जितना बढ़ा मतलब जितना लेंगे उतना देना पड़ेगा ना, हम लोग कर भी क्या सकते हैं। कैसे देख रहे हैं इस बढ़ती महंगाई? बहुत मतलब सब जगह कोरोना की वजह से हर चीज़ बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब सरकार भी बढ़ा रही है पेट्रोल डीजल का दाम, ये भी लोग बढ़ा रहे हैं, उसके बाद अब महंगाई मतलब कमाई घटते जा रहा है और महंगाई बढ़ता जा रहा है। सब दाम बढ़ गया है, बैटिंग लोग का तो सब बढ़ा दिया, किराया तो हम भी बढ़ा दिए। जी हाँ हमको तो पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ाना होता है, फिर काहे किराया बढ़ा रहे हैं भैया? बैटरी जब भाड़ा पे चलाते हैं गाड़ी भैया, भाड़ा वाला बोला कि दाम बढ़ा दो लेंगे हम, इसीलिए हम बढ़ा दिए। कितना बोल पहले लेता था और कितना बढ़ा रहा है? पहले 300 रुपये लेता था, अब 350 रुपये ले रहा है। अच्छा तो हम आपका घर से पॉकेट से नहीं देंगे भैया। किराया बढ़ा, लोकल बढ़ाए हैं 10 रुपया और 3 रुपया उधर से बढ़ा है। बस यहाँ से कोट जी, कोट जी कितना लेते थे पहले, अभी कितना लेते हैं? अभी पहले पम 12 रुपये लेते थे, 15 रुपये ले रहे हैं। हम लोग तो बढ़ाए नहीं सर, जो ले रहा है जो हम सब ले रहे हैं। अच्छा। कितना नहीं देता है, बकवास नहीं करते हैं, ले रख लेते हैं कितना देता है। फिर भी कितना बढ़ाया आपने? बस हम लोग तो 2 रुपये बढ़ाए, उन्हें चलते हैं हम लोग राजीव नगर चलते हैं, इधर बहुत कम चलते हैं। राजीव नगर का यहाँ से कितना भाड़ा है गांधी? यहाँ का अगर बोरिंग रोड का है यहाँ से 15 रुपया,
पहले 12 रुपया था, और पानी टंकी का पहले 17 रुपया था, अब 20 रुपया कोई देते हैं कोई नहीं देते हैं तो रख लेते हैं। पेट्रोल डीजल तो भराते नहीं हो आप? ठीक है सर, पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ाते हैं, तेल पर भी महंगाई आया है, गैस पर भी महंगाई आया है, खाने पीने पर भी सामान पे महंगाई आया है, तो अगर इसमें 2 रुपये बढ़ गया तो क्या मैंने महंगाई जैसे जैसे सर बढ़ रहा है सब चीज़ पे, तो हम लोग पे तो बढ़ना चाहिए ना सर, वही किराए में ना रहेगा सर। हाँ, के लिए पेपर में देख पढ़ा नहीं दिया, वही देख कमी कर रहे हैं। डीजल एक लग रहा है 100 रुपया, जब लगता था 80 रुपया ना, अब 150 रुपये ले रहा है किराया बिजली बिल का, तो हमने कहाँ से क्या करेंगे, हमने को पोसाई नहीं पड़ रहा है। कितना बढ़ाया किराया? बस जहाँ 12 रुपया जाते 3 बढ़ा है, 15 हो गया। हाँ, बोरिंग रोड का पहले 12 रुपया था तो 15 रुपया हो गया। हाँ, पैसेंजर आ रहे हैं? हाँ, पैसेंजर कोई कोई बैठ रहे हैं, कोई कोई तनाथी कर रहे हैं। पैसेंजर पूछते ना है कि भैया किराया बढ़ा दिए आप, तो ई रिक्शा वाले हैं बैठे ना, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कहा कि भाड़ा बढ़ गया तब बढ़ाए हैं आप लोग, अपना मन से नहीं बढ़ाए हैं। तो आपने सुना है तमाम ई रिक्शा चालक हैं जो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है साहब, बिजली का मीटर का बिल जो है वो महंगा हो गया साहब, तो ऐसे में क्या करें, हमने भी किराया बढ़ा दिया। तो कुछ ने ऐसा भी तर्क दिया कि डीजल और पेट्रोल का जो कीमत है उसमें इजाफा हुआ है, और ऑटो चालक नाखुश ना हो जाए और कहीं लड़ ना बैठे, इसलिए हम लोगों ने भी किराया बढ़ा दिया है। खैर, महंगाई तो बढ़ ही रही है और कहीं ना कहीं आम जनता की कमर भी महंगाई तोड़ती हुई नज़र आ रही है, सीधा का सीधा असर जो है आम जनमानस के पैकेट पर पड़ रहा है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।